हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इग्नू शिक्षा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पेपर वन जो है, पेपर वन की पहला यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है इवोल्यूशन सिस्टम के बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं इवोल्यूशन सिस्टम को लेके। पहला जो है इवोल्यूशन का जो डेफिनेशन हाना जो डेफिनेशन दिए है, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटेड एविडेंस चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इसमें क्या कहा है, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, यहाँ एक प्रोसेस होंगे जो डाटा को गैदर करेगा, जो डाटा को कलेक्ट करेगा एंड इंटरप्रेट, जिसका मीनिंग निकलेगा, इंटरप्रेट करेगा। एविडेंस चेंज इन द बिहेवियर, स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है इसमें क्या चेंज आया उसके बारे में डाटा कलेक्ट करेगा, उसके डिस्क्रिप्शन देगा। ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल इज कॉल्ड इवोल्यूशन। स्कूल में जो स्टूडेंट है, लर्नर है, उनका जो प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस प्रोसेस को इंटरप्रेट करना, गैदर करके इंटरप्रेट करना, यही एवोल्यूशन है। ये हाना का डेफिनेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन सिस्टम, इसमें जो एलिमेंट्स ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का जो एलिमेंट्स है इनके बारे में अब हम बात करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन में पहला जो चीज है, एलिमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन, यहाँ एट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इवोल्यूशन का एट टाइप होते हैं, आठ प्रकार इवोल्यूशन होते हैं। पहला जो है पर्पस। पर्पस में क्या आता है, पर्पस में आता है व्हाई इवोल्यूशन, क्यों हम इवोल्यूशन करें। इसमें ऐसा हो सकता है टू इम्प्रूव द स्टडी मटेरियल, हम जो मटेरियल से स्टडी कर रहे हैं इस मटेरियल को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है। टू लर्न द स्टैंडर्ड ऑफ चेंजिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो चेंजिंग बिहेवियर है ये जानने के लिए इवोल्यूशन हो सकता है। और क्या हो सकता है, टू डिटरमाइन टाइम रिक्वायरमेंट, जो डेवलपमेंट करने के लिए टोटल क्या टाइम चाहिए इसे डिटरमाइन करने के लिए भी इवोल्यूशन हो सकते हैं। बाद में क्या हो सकते हैं, टू सेटिस्फाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट को जानने के लिए भी हो सकते हैं। दूसरी जो है ऑडियंस, ऑडियंस यानी हु आर द रिसिपेंट्स ऑफ इवोल्यूशन रिजल्ट, इवोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो कौन रिसीव करेगा। तो यहाँ द ऑडियंस विल डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट एंड रिपोर्टेड, ऑडियंस ने डिटरमाइन करेगा कुछ तरह की जो क्या चाहिए, कलेक्ट एंड रिपोर्टिंग जो डाटा चाहिए ये डिटरमाइन करेगा ऑडियंस ने। नंबर थ्री में जो है ये इश्यूज, मेजर क्वेश्चंस ऑफ द इवोल्यूशन, इश्यूज जो है क्या इशू है, क्या इशू होगा, ये एक मेजर क्वेश्चन होता है इवोल्यूशन के। इश्यूज में क्या क्या आता है, व्हाट आर द मेजर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इवोल्यूशन, दिस सेट द स्टेज ऑफ द इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का जो स्टेजेस है इनको डिटरमाइन करता है इश्यूज ऑफ द इवोल्यूशन। दोज डिटरमाइन द डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, ये डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट को एनालाइज, नीड टू प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट दैट हैव बीन डिटरमाइंड, जो डिटरमाइन करना चाहिए इसे इश्यूज को रखते हुए इवोल्यूशन सिस्टम को ले जाता है, ये एलिमेंट्स में आता है। नंबर फाइव जो है, फाइव में आता है एविडेंस। एविडेंस में क्या आता है, सैंपल साइज आता है, पार्टिसिपेंट्स आता है, सैंपल साइज यानी हम जो इवोल्यूशन करेंगे ये कितने लोगों पर करेंगे, कितने लर्नर पर करेंगे, ये छोटा एक ग्रुप में होगा, एक बच्चों पे होगा या पूरा क्लास में होगा, पार्टिसिपेंट कौन कौन होगा इसमें, ये डिटरमाइन करेगा एविडेंस में। इसमें और भी एक चीज आएगा जो है ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या है,
हम जो इवेल्यूशन करेंगे इसका ऑब्जेक्टिविटी क्या है उनका पर एविडेंस निर्भर करेगा। उसके बाद आएगा एक्सरसाइजेस। सो एविडेंस में क्या आएगा, पहला सिंपल साइज आएगा, सिंपल साइज कितना होंगे, पूरे क्लास होंगे, एक दो बच्चे होंगे या एक ग्रुप बच्चे होंगे, पार्टिसिपेंट कौन होगा, ऑब्जेक्टिविटी क्या है और एक्सरसाइज क्या है, ये एविडेंस में आएगा। व्हाट टाइप ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन विल बी नीडेड टू आंसर द एविडेंस क्वेश्चन। सो ये था एविडेंस के बारे में। अब आया डाटा गैदरिंग टेक्निक। तो डाटा गैदरिंग टेक्निक क्या होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एलिमेंट्स ऑफ एविडेंस में है। डाटा गैदरिंग टेक्निक्स में क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या होगा। डाटा गैदरिंग टेक्निक्स में ऑब्जर्वेशन एक डाटा गैदरिंग टेक्निक है। क्वेश्चनरीज भी डाटा गैदरिंग टेक्निक है। ऑब्जर्वेशन करके जो डाटा चाहिए हमको वो डाटा हम ले सकते हैं। इसमें क्या, व्हाट मेथड्स आर नीडेड टू कलेक्ट द एविडेंस नीडेड, यूज टेक्निक्स टू इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट। हम जो इवैल्यूएशन करेंगे उनका वैलिडिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट को इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, इसमें क्या आ सकते हैं, क्वेश्चनरीज आ सकते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस इसमें लगाई जा सकती है फॉर इवोल्यूशन। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, इंटरव्यूज हो सकते हैं, हम इंटरव्यू ले सकते हैं ग्रुप को, स्टूडेंट्स को, लर्नर को, और क्या हो सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट भी हम ले सकते हैं। किसके लिए, फॉर डाटा गैदरिंग, किसके डाटा, स्टूडेंट के इवोल्यूशन के जो डाटा है इनको गैदरिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरीज ले सकते हैं, इंटरव्यूज ले सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट भी ले सकते हैं, ताकि हमारे डाटा गैदरिंग प्रोसेस अच्छा हो, जो एलिमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। नंबर 7 में आते हैं एनालिसिस। जो आपने यहाँ डाटा गैदरिंग कर लिया स्टूडेंट्स को, लर्नर को जानने के लिए, तो जो डाटा से जो रिजल्ट आया इसे आप क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। तो एनालाइज में क्या होगा, ये एनालाइजिंग एक प्रोसेस होगा जो क्या है, ट्रेडिशनली हो सकता है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड हो सकता है, ग्राफ्स में हो सकता है, हिस्टोग्राम के द्वारा डाटा एनालाइज हो सकता है। हमने पहले क्या मिला, ट्रेडिशनली एनालाइजमेंट, यानी स्कूल्स में पहले जो सिस्टम हुआ था कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन, उसके रिजल्ट के लेके रिजल्ट पब्लिश करना है। फ्रीक्वेंसी, अब क्या है, सीसीई मेथड चालू हुआ है। तो सीसीई मेथड में फ्रीक्वेंसी एग्जाम की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, 4 एग्जाम्स होगी। सो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी के लेके भी इवोल्यूशन सिस्टम को चलता है। एलिमेंट्स में ये आता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, फॉर्मेटिव टेस्ट में क्या होगा, समेटिव टेस्ट में क्या होगा, ऐसे फ्रीक्वेंसी और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें आता है। उसके बाद क्या है, ग्राफ्स आता है। ग्राफ्स में रिजल्ट ऐसे शो हो सकता है, क्या है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस। उसके बाद में आ सकते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है डाटा को शो करने के लिए। लास्ट में हम बात करेंगे नंबर 8 जो है रिपोर्टिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो इवोल्यूशन हुआ है, टोटल इवोल्यूशन सिस्टम होने के बाद जो फाइनल जो रिजल्ट आता है वो रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग हम किससे करें, क्यों करें, टू हुम, रिपोर्टिंग हम किन के पास करें। इसमें हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव समारी होगा, जो एग्जीक्यूटिव के लिए रिपोर्टिंग होगा। पर्पस ऑफ इवोल्यूशन, क्यों हम इवोल्यूशन किया है, इस पर्पस को जानने के लिए, पर्पस जो होगा उनके
अनुसार जो रिपोर्टिंग वो भी होगा। इसमें हो सकते हैं मैथोडोलॉजी मैथोडोलॉजी के ऊपर बेस करके उसका रिपोर्टिंग हो सकता है। रिजल्ट की रिपोर्टिंग स्टूडेंट के बीच आएगा, गार्जियन उसे मिलेगा, कंक्लूशन एंड रिकमेंडेशन। इस जो फॉर्मेटिव एग्जाम सामेटिव एग्जाम जो भी हो, हम जो इवैल्यूएशन किया है, इनका एक कंक्लूशन निकल के आएगा क्या है, हमारे स्कूल के जो लर्नर्स है इनका स्टैंडर्ड यह है, अच्छा है, वेरी गुड है और ये टू बी डेवलप्ड जो है वो एक कंक्लूशन निकल के आएगा। उनके बाद क्या आएगा, एक रिकमेंडेशंस आएगा क्या हमारे जो स्कूल का जो बच्चों का और भी पढ़ाई ज़्यादा करना चाहिए, कंटेंट मटेरियल डेवलप करना चाहिए या नहीं चाहिए, या क्या वीक पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स कैसे रिमूव करना है, ये सब बात इसमें होगा। तो ये था दोस्तों फ्रेंड्स एलिमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन सिस्टम का। इवोल्यूशन क्या है, इनका एलिमेंट्स क्या है, आज हम बात की है। फ्रेंड्स आप सबके बहुत ही धन्यवाद क्योंकि आप मेरे चैनल को वॉच करते हैं। और फ्रेंड्स आप जितने फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया आप सभी को थैंक्स और एक बार, और जितने फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। बाय बाय।